बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा के रख दी हुई है। करोड़ों अफराद बेरोजगार हो गए हैं। ताहम ऐसे में मुख्तलिफ ममालिक की अमीर तरीन शख्सियात खुलकर सामने आई हैं और उन्होंने गरीब तबके की मदद के लिए हथियार दिए हैं। लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात समझी जाने वाली हस्तियाँ इन्होंने अभी तक हथियार देने में खुलकर सामने नहीं आई। इसी हवाले से अपना तजज़िया पेश करते हुए सीनियर सहाफी आरफ निज़ामी का कहना है कि जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग रोते ही दिखाई दे रहे हैं। कभी कहते हैं गैस मुफ्त की जाए और कभी कुछ कहते हैं। आज भी ये रो रहे हैं कि डॉलर महंगा होने की वजह से हमें नुकसान हुआ है। नाज़रीन ये वो टेक्सटाइल टाइकून हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी जायदादें बना ली हैं और अगर इन्हें नुकसान हो भी रहा है तो ये अरबों रुपए की जायदाद और बैंक बैलेंस बना चुके हैं। हथियार भी मिडिल क्लास और दरमियाने लोगों की जानिब से ही दिए जा रहे हैं। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि इनका अगर प्रॉफिट 100% से 50% पर आ जाए तो ये कहते हैं हमें नुकसान हो रहा है। और कुछ लोगों के पास ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं जो अमेरिका में भी लोगों के पास मौजूद नहीं। इनकी जेबों में कनाडा के पासपोर्ट रहते हैं और ये यहाँ फंसे हुए हैं, वरना यूरोप के किसी मुल्क में जिंदगी गुजार रहे होते। ये पाकिस्तान के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। आरफ निज़ामी का मजीद कहना था कि इसके हाल में सियासी शख्सियात भी करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए देने चाहिए। अगर इमरान खान कहते हैं कि ये लोग अमीर हैं तो वो ये दुरुस्त कहते हैं। शहबाज शरीफ एक बहुत बड़ी स्टील मिल के मालिक हैं और अरब खरब पति हैं। इसी तरह आसफ जरदारी भी बहुत ज्यादा अमीर है। अब इन्हें हथियार देने चाहिए। अगर प्ले बार्गेन करनी हो तो इस मामले पर करनी चाहिए। जबकि सोशल मीडिया पर भी सार्फीन की जानब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात हथियार देने में पीछे है। ये ऐसा मौका है कि जब पाकिस्तानियों को इनके अरबों रुपए में से कुछ पैसों की जरूरत है, लिहाजा इन्हें अपने मुल्क की खातिर हथियार देने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।